क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वारिसीन की लिस्ट में कौन कौन मौजूद है? 22 22 वाइफ, डॉटर, ग्रैंडफादर, फादर, मैटरनल ब्रदर। अब इसमें कैंडिडेट्स तो बहुत हैं, लेकिन ये सवाल बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसमें स्टेप नंबर वन में पहले तो लिखवाएं किसकी क्या कैटेगरी है। शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा इसको बाद में देखेंगे। वाइफ की कैटेगरी हमेशा, जेड एफ। डॉटर की हमेशा जेड एफ। ग्रैंडफादर की ग्रैंड बिन नफसी असबा जेड एफ भी है, और नफसी है, असबा बिन नफसी है, असबा भी नफसी ही भी है, और इसी तरीके से फादर भी जेड एफ है, प्लस और असबा बिन नफसी है। असबा भी नफसी ही भी है, और मैटरनल जो ब्रदर है वो वो आप जेड एफ है जेड एफ है। जी। अब हमने रूल तो ये पढ़ा है कि जेड एफ को बांटने के बाद जो बचता है वो असबा भी नफसी में जाता है, या असबा माघरी में जाता है, या बीघरी में जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ चीजें कैंसिल होंगी। वाइफ का जो शेयर है कितना हो जाएगा औलाद की मौजूदगी में? 1/8 हो गया। बेटी एक ही है, वर्कर ऑफ हो जाए, वन बट है। वन टू अब फादर भी अगर मौजूद हो तो कैटेगरी टू के अंदर फादर भी आते हैं, ग्रैंडफादर भी आते हैं, और ग्रेट ग्रैंडफादर भी आते हैं। तो उसी ग्रैंडफादर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ग्रैंडफादर कैंसिल हो जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर, यहां लिख दीजिए नो शेयर। मुजीब साहब आप किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं? नहीं, इस्लामी एकेडमी जहाँ से हारिस सर आते हैं। अच्छा, तो फिर आप एक काम करते रहो ना, जितने सवाल तीन तीन हम करा रहे हैं तीन तीन को उर्दू में कन्वर्ट करते रहो, और मस्जिद में मिल जाया करो, दिखा दिया करो। एक किताब बन जाएगी, फिर इसको जितने ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे, जी इस कर दो। एक बुक बन जाएगी पीडीएफ। आप उसको अगर आपको टाइपिंग आती है कंप्यूटर पे, बुक प्रिंट कर दीजिए, और फिर जितने लोग होंगे मदारिस के लोगों को भेज दिए। अच्छा एक टास्क हो जाएगा D2, क्योंकि अकेले मेरे से सारा काम पॉसिबल नहीं है, मेरे पास भी अच्छा खासा लोड है काम का। कल मैं सुबह रामपुर गया था, 5:30 बजे निकल गया था जामितुस सवालियात, बच्ची ने आलमा कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वहाँ से वो डिग्री लेकर आया, और उसके बाद 4 बजे लौट के फिर दिल्ली वापस आ गया, और वहाँ कुछ उलमा इकराम से मिला, वहाँ पे मैंने किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं इंग्लिश और हिंदी वाली, उनको भी अच्छा लगा, वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन करना शुरू करेंगे। अल्लाह तो फादर को कितना मिलेगा? फादर का हो गया 1/6 तो मिलना है, प्लस बचेगा तो आर भी मिलेगा। अब आपके पास बुक मौजूद है, इसका शेयर क्या है, जबल होगा? फरूज लिखा है उसमें। फ्रूज है, तो अगर जाके देखें किताब में तो कहीं मिलता है, या बताऊं पेज नंबर ढूंढ के? पेज नहीं, नंबर मेरे हाथ जा में मैं यहां हिंदी से, वाली किताब, मेरे हाथ में हिंदी वाली किताब है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना वाला जो पीडीएफ है मैं उसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। आपने खुद बताना है कि क्या क्या होना है। ठीक, मादरी बहन, मादरी भाई का हिस्सा, हाँ जबल देखिए, फरूज जेड एफ, वन तो यहाँ पर हम इस पे आ जाते हैं। सिक्स लिखा है इसमें, अगर बहन मौजूद है तो मादरी देख बहन। ये हो गया आपके पास, हमारे पास मैटरनल ब्रदर मौजूद है, तो मैटरनल ब्रदर एक है तो उसका हिस्सा तो इतना होना चाहिए 1/6। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कहीं कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है। तो अगर नो शेयर में जाते हैं तो दो तरीके से कैंसिल हो रहा है, दो क्या तीन तरीके से ही कैंसिल हो गया। कौन कौन कैंसिल कर रहा है? अगर फादर होते तब भी कैंसिल हो जाता, तुम्हारे पास और फादर दादा कैंसिल करने के लिए दादा दादा कैंसिल दादा
हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए। तो इसका मतलब ये हकदार तो था, लेकिन बेटी की मौजूदगी में, वालिद की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में इसको नहीं मिलेगा, तो इसका भी हो गया नो शेयर। तो एक रीजन लिखें या दो तीनों रीजन लिख दें? तीनों लिख, दोनों रीजन लिख, याद रहेगा, याद रहेगा। दो ही रीजन, दो ही रीजन लिखेंगे, फादर, ग्रैंड फादर और फादर लिख दिए, टोटल ये नो शेयर ड्यू टू, आपके पास डॉटर हो गया और आपके पास एंड आपके पास फादर हो गया। एंड ना लिख के और लिख दीजिए, दोनों तो है नहीं, चाहे ये हो जो कैंसिल, दोनों ही कंडीशन में होता है ना हमारे पास, फादर ही कंडीशन भी कैंसिल कर रही है, दोनों का एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है। नहीं, दोनों में और नहीं लिखेंगे, एंड ही लिखेंगे। अच्छा, एंड ही लिखेंगे। हाँ, तो उसमें तो और तो उनकी अपनी चॉइस है, इसके लिए तो तीनों रीजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, एंड ही लिखेंगे, तो एंड लिखिए। अच्छा, मैं आपकी तरफ डॉक्टर साहब आज एक बुक भेजूंगा अपनी, जो कंप्लीट हो गई है, रूल्स ऑफ रिटर्न इन इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो आगे पढ़ेंगे आप, अभी पढ़ा नहीं है आपने। अच्छा अच्छा, उसमें सिर्फ ये देख लीजिए कहीं ग्रामेटिकल इंग्लिश में एरर तो नहीं है, ये देख लीजिएगा, मैं आज ही भेज देना। जैसे आपने कहा और नहीं, हार्ड कॉपी भेजेंगे इसमें? नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, अभी वो आपके पास प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि आज वो जमात इस्लामी में हम भेजेंगे, अगर वो प्रिंट करना तो हमने वर्ड की फाइल होगी। हाँ, ये पीडीएफ है। ठीक है, तो पीडीएफ है, आप मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपके सामने खोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी खोल लेता हूँ। ये गलती की आपने कि भाई बताया कि भाई यहाँ पे एंड एंड आएगा और नहीं आएगा, इस तरह की कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकती है, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, मुजीब साहब बताएं कौन कौन आएगा जबल फ्रूज के अंदर, लिखवाएं। वाइफ, डॉटर, वाइफ, डॉटर, वेरी गुड, और फादर, फादर, और कोई? बस बस इतनी आएंगे, 1/8 आ गया, डॉटर 1/2 हो गई, फादर साहब कितने हो गए, 1/6 हो गए, एलशियम कितना आ गया, 24 हो गया, 8 3 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 16 19 ऑब्लिक कितना हो गया, 24 हो गया। स्टेप नंबर थ्री, शेयर ऑफ असबाबी नफसी, इसके अंदर शेयर ऑफ फादर, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर, टोटल तरके में से 19/24 को डिटेक्ट कर दीजिए, 24 24 -19 5/24 हो गया, तो टोटल शेयर ऑफ फादर हो गया, टोटल शेयर ऑफ फादर हो गया, जेड एफ का एडिशन कर लीजिए आर के साथ में, 1/6 + 5/24, ये आपके पास 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9/24 हो जाएगा। स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, टोटल शेयर ऑफ इनहेरिटर्स, शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, तो तीन ही कैंडिडेट थे, वाइफ, डॉटर, फादर, वाइफ, डॉटर प्लस फादर, वाइफ 1/8, डॉटर 1/2, फादर 9/24, 24 एलशियम, 3, 12 और ये 9। तब मुझे लग नहीं रहा होगा कि आपको ये बहुत टफ हो गया, अब लग रहा होगा बहुत आसान है, तो बिल्कुल है। हाँ, अब
प्रैक्टिस आप क्वेश्चन करोगे तभी बता दें। हाँ अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया 22 हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें मैटरनल ब्रदर्स हैं।